अभी हम सोनपुर के पुल घाट पे हैं और यहाँ पर हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पटना में जिस प्रकार रिवर फ्रंट बन रहा है उसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है। काली घाट का मैंने दिखाया था कि वहाँ पर किस प्रकार घाट का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और वही काम यहाँ पे पुल घाट के पास चल रहा है। आप मेरे पीछे पुल देख रहे हैं और मेरे आगे भी पुल है। पीछे पुल जो है रेलवे का है और उसके बाद जो है और आगे जो है पुराना वाला हाजीपुर छपरा सोनपुर ब्रिज है, रोड ब्रिज है। तो पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और पुल बाकी जगह घाट का निर्माण कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, रिवर फ्रंट बनाने का काम चल रहा है। इसी घाट की विशेषता ये है कि यहाँ पर मेन ओकेजनों में यहाँ पर काफी चलता है, चाहे वो कार्तिक स्नान हो या फिर और भी कई ओकेजन हो, जो नदी देख रहे हैं ये गंडक नदी है और गंडक नदी का जल स्तर देख रहे हैं कि किस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है। और इधर आपको तीन पुल दिख रहा होगा, ये तीन पुल है, दो पुल रेलवे का और एक पुल NH-19 का सबसे लास्ट वाला दिख रहा है जहाँ जो 4 लेन बन रहा है। और ये पुराना वाला रोड है जिधर से मतलब हाजीपुर सोनपुर जाने का ये रास्ता है। तो यहाँ से कालीघाट, पुल घाट, नौलखा घाट, ये सब घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है इन घाटों को। देख सकते हैं ये जो टाइल्स लगा है वो काफ़ी सुंदर है। तो हम आपको लगातार अपडेट देते हैं बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में और हर वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार बिहार के हर क्षेत्र में कोने कोने में विकास का काम कर रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के विकास के बारे में जान सकें और
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।